हमारे सामने जो महिला बैठी हुई है वो महज 14 वर्ष की उम्र से सिलाई कढ़ाई की शौकीन रही और इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचा है। कभी ERCT के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों से जहां पे इनको बुलाया जाता है ये पूरे बिहार में जाके प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। ये संध्या जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने जीवन में किस तरह से ये सिलाई कढ़ाई की शुरुआत की और कैसा इनका पूरा का पूरा जो है वो जीवन शैली रहा। जी संध्या जी, क्या कहना चाहिएगा अपने लाइफ स्टोरी के बारे में? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं पढ़ाई मतलब कि करते हुए भी हमें शौक था कि हम सिलाई करें। एक बचपन से ही मेरा शौक था, लेकिन मेरी मम्मी लोग का कहना था कि तुम नहीं सिलाई कर पाओगे। लेकिन जब मेरी मम्मी सिलाई करती थी उस टाइम, जब मेरी माँ इंची टेप फीता से नापती थी उस टाइम हम जो कपड़ा का सिलाई करना उस कपड़े से हम नापते थे। सबसे पहले हम तकिया का खोली बनाना स्टार्ट किए। तकिया का खोल बनाने के लिए हम खुद से तकिया ही नापते थे, फीता लगा के नहीं नापते थे। और उसके बाद हम सिलाई मतलब कि बचपन से ही किए और 2012 में हम मैट्रिक का एग्जाम दिए उसी टाइम से हम सिलाई सीखे। और मेरी मम्मी पापा नहीं कहते थे कि हम तुमको सिलाई सिखाएंगे, तुम नहीं सीख पाओगे, अभी तुम बच्ची है। लेकिन हम बोले हम सीखेंगे और 2012 में हम सिलाई सीखे और 13 से हम सिलाई स्टार्ट कर दिए। सिलाई स्टार्ट करने के पश्चात मतलब मेरी सिस्टर का भी शादी हो गया, मतलब हमसे जो छोटी थी उनका भी शादी हो गया, हमसे पहले हुआ, मतलब कि उनका भी खर्च कुछ उठाना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि मेरे घर में फैमिली में कोई नहीं था। मेरे पापा ऑटो ड्राइव करते और मेरी मम्मी जो है ये ICDS की है। और मतलब कि फैमिली उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मतलब उतना इनकम भी नहीं है जिससे कि मतलब पूरा खर्च उठा मतलब कि उठा पाएगा लोग। इसलिए हम खुद से सिलाई किए और उसके बाद हम RCT आ गए। मतलब बहन का खर्चा और अपना शादी का खर्चा पूरा आप ही के? नहीं, बहन का भी आधा हम ही उठाए हैं और मतलब कि हम अपना भी शादी का खर्च हम खुद आधा उठाए हैं। मतलब सशक्त और आत्मनिर्भर महिला का बेजोड़ उदाहरण है जो भी रहे। हाँ, लेकिन हम खुद से किए। हाँ, किस तरह से आप मतलब सिलाई करते हैं या प्रशिक्षण भी देते हैं? किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं RCT के माध्यम से? RCT के माध्यम से वहाँ जिस तरह सिलेबस रहता है उसके अनुसार देते हैं प्रशिक्षण। और सिलेबस के अनुसार हम लोग का 25 दिन का रहता है, 25 दिन प्रशिक्षण देते हैं। तो वहाँ पे महिलाओं को सशक्त करने का काम करते हैं। हाँ, और हम हर महिला को यही बताते हैं कि जिस तरह से हम अपने आप पे निर्भर है उस तरह से आप भी निर्भर बनिए। किसी से हम 2 रुपया यदि कमाते हैं तो किसी मतलब कि दूसरे पर डिपेंड हमको नहीं रहना पड़ेगा, और नहीं काम करेंगे तो हमको डिपेंड रहना पड़ेगा दूसरे पर। और दूसरे पर डिपेंड रहने के पश्चात यही होगा, कोई हमें यदि हम शादी करके जाते हैं ससुराल जाते हैं 5 रुपये यदि हस्बैंड से मांगेंगे तो वो भी देने में हिचकिचाएंगे, तुमको 5 रुपया क्या चीज के लिए दे, सारा सामान हम देंगे। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज है जो कि अपने हाथ में नहीं रहने के बाद कुछ अजीब सा लगता है। मेरे पास भी आज मेरे पास पैसा नहीं होगा तो हम बिल्कुल ये आदमी के रूप में नहीं रहते, लगता है हम कहाँ से पैसा कमा ले। और RCT में आने के लिए सबसे बड़ा है मेरे परविंद सर, जो हमें फॉलोअप में गए थे तो वहाँ से वो देखे कि हम अच्छा सक्सेस है, मतलब कि हम काम कर रहे हैं और काम सिखा भी रहे हैं। तो परविंद सर फोटो लेकर आए थे वहाँ फॉलोअप के लिए गए थे, तो फिर आकर हमें कॉल किए जिस टाइम हम RCT गए थे ट्रेनिंग देने, ये 7 जनवरी को शायद 2019 में। तो उस टाइम जो हमारे डायरेक्टर थे मेसी बाबू, वो हमारे परविंद सर को बोले थे इस कौन ही बच्चा को ला के आप बैठा दिए, ये ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगी। लेकिन हमारे परविंद सर बोले कि यही बच्चा ट्रेनिंग देगी सर, और देखिए आप ट्रेनिंग इनसे दिलवा के।